हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पर विभिन्न प्रकार की वीडियो पोस्ट की है। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा कि वास्तु दोषों को लेकर बनाई गई है, कि किस प्रकार से घर के वास्तु दोष होते हैं, किस प्रकार से ऑफिस के वास्तु दोष हो सकते हैं और उनका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है। क्योंकि वास्तु दोष हो जाना एक साधारण सी एक मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन उसके बाद उसका निदान ना करना और ऐसे ही रहना तो ये हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि घर के वास्तु दोषों में स्वास्थ्य खराब रह जाएगा आपका, आपके घर में बरकत नहीं हो पाएगी, परिवार के सदस्यों के मध्य आप कहेंगे कि अनबन रहेगी, तूतू में रहेगी। ऑफिस की बात करें तो फिर ऑफिस में आपके मैन पावर है वो स्विचिंग ज़्यादा रहेगी, फाइनेंशियल जो डिसीजन है वो आपके सही नहीं हो पाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वास्तु दोष की कमी के कारण हो जाती हैं। आपने देखा बहुत सारी चीज़ों पर हमने दादी माँ के नुस्खे हैं, नानी माँ के नुस्खे हैं, इनके बारे में बनाए, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई उपाय नहीं होते थे। दादी माँ की सलाह से, नानी माँ की सलाह से, इन्हीं के नुस्खों के माध्यम से, इनके उपायों के माध्यम से ही हम अपनी समस्याओं का निदान करते थे। तो दोस्तों, इनके बाद हम अब राशिफल के ऊपर वीडियो बनाना प्रारंभ किया है। कोशिश यही करते हैं कि छोटे छोटे उपाय और छोटे छोटे राशिफलों के माध्यम से आपके सॉल्यूशन ढूंढे जा सकें। पहले बात करते हैं हम मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के लिए आज रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे, यात्रा लाभदायक रहेगी, वैवाहिक प्रस्ताव भी मिल सकते हैं इनके लिए, और वो पूरी पूरी संभावना है कि व्यवहारिक जो प्रस्ताव मिलेंगे वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और नए जो आप है खरीदारी की संभावनाएं बन रही हैं, वस्त्र है या कोई आभूषण आप लेना चाहते हैं तो वो भी आज संभावनाएं बन रही हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, रोजगार की सफलता ये चांसेस ज़्यादा हैं आज। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मतभेद आप समाप्त कर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। मतभेद ना रखें, बाहरी और भीतरी मतभेद कोई हो तो उसको समाप्त करके चलें। हाँ, जोखिम लेने की संभावना कम रखें, वित्तीय जोखिम की संभावना कम रखें, और हो सकता है आपके परिजन से, आपके भाई से आपको आज सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि को पुराने जो रोग हैं वो उभर कर आ सकते हैं। पुरानी कोई पीड़ा होगी, कोई चोट लग जाती है इंसान को, वो आज दोबारा से आपको परेशानी का सबब दे सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, आपके परिवार में कोई बड़ा हो सकता है, उसके स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। और कोशिश करें कि आज कोई भी वाद विवाद यदि हो तो उसको दूर रहें, उसमें ज़्यादा अपना इंटरफेयर ना करें और ज़्यादा अपनी सलाह भी ना दें, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि विवाद बढ़े, उसे घटाने का कोशिश करें, उसे अवॉइड करें, दूर रहने की कोशिश करें। संपत्ति के जो कार्य होंगे वो आपको लाभ दे सकते हैं, और यदि आप किसी कंपटीटर परीक्षा की या कोई आप इंटरव्यू दी है तो उसमें सफलता मिलेगी। बुद्धि का प्रयोग यानी कि आप माइंड जो सेट करके वो आपके लाभों में वृद्धि कर सकता है। और कोशिश करें कि दूसरे की जवाबदेही ना ले, किसी की तरफ से आप कोई कमेंट ना करें और ना ही अपना कमेंट किसी को करने दे, तो ये आपके लिए आज का दिन रहेगा। मिथुन राशि के लिए और वृषभ राशि के लिए बता दें कि गेहूं का दान आप करेंगे आज तो आप बेहतर रहेगा, गेहूं का दान आप बेहतर रहेगा आज के लिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि का राशिफल कोई यात्रा है या उसका संदेश मिल रहा है आज, आप मनोरंजक भी रहेंगे, यानी कि यात्रा और मनोरंजन साथ साथ रहेगा। आज आप खाने के शौकीन भी रहेंगे तो खाना भी आपको आपकी मनपसंद का मिलेगा। और यदि आप किसी चीज़ पर बुद्धि लगा रहे हैं, ज्ञान लगा रहे हैं, तो आप वाकई में आज आपकी बुद्धि में, कार्यशैली में, आपके ज्ञान में आज वृद्धि होगी। और जो आप रचनात्मक कार्य है वो आपकी आज सफल होने की संभावना बढ़ेगी। बड़ों की बातें माने, आपको लाभ होगा। और कोशिश करेंगे कि आप आज को अच्छी खबर मिलने की संभावना रहेगी, चाहे आप किसी बिजनेस में हैं या जॉब वगैरह में हैं, तो कोशिश यही है आपकी कि आज आपको अच्छी खबर मिलने की पूरी पूरी संभावना है। मन आपका आज खुश रहेगा और कोशिश है कि जो बड़ों का सहयोग है वो भी आपको मिलेगा।
बस आप जोखिम ना लें, आलस्य ना करें, और कर सके तो तेल का दान आप अवश्य करें आज के दिन। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। आपको कोई आज समाचार मिल सकता है जो आपको परेशान कर सकता है, और भाग दौड़ भी थोड़ा अधिक ही रहेगी, और जो आप कार्य करना चाहते हैं उनमें भी थोड़ी विलंब रहेगी, तो तनाव भी रह सकता है इनके कारण। तो मन शांत बनाए रखने की कोशिश करें, यानी कि थोड़ा नेगेटिव विचारधारा ज्यादा ऊपर रहेगी, समाचार भी गलत मिल रहे हैं, दौड़ धूप भी रहेगी, कार्यों में विलंब भी रहेगा, तो तनाव, मानसिक तनाव रह सकता है। इसलिए कोशिश करें कि शांति बनाए रखें, मन को शांत रखें, प्रयास करते रहें। प्रयास करेंगे तो आपको लाभ भी अवश्य होगा, व्यवसाय के ठीक ठाक चलेंगे, और मतभेद को ज्यादा आज उभारे ना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और हो सके तो दूध का दान करें। सिंह राशि वाले, घर बाहर पूछ रहेगी आपकी आज, आपके लोग बाग पूछेंगे घर के बाहर भी, आपके घर और बाहर आज परख करें, पर पूछ परख करेंगे रहेंगे, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, आपकी लोग आपके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे, मेहनत का फल आपको मिलता दिख रहा है। जो वस्तुएं कीमती वस्तुएं होंगी आप उसको संभाल के रखें, आय में आपकी वृद्धि होगी, कोई बड़ी समस्या का हल आप निकाल लेंगे, अपने प्रयास जो आपने पैसे किए हुए हैं पहले के प्रयासों का आज परिणाम मिल सकता है, कोई बड़ी समस्या का हल मिल सकता है। मित्र व संबंधी जो हैं वो आपके सहयोगी बने रहेंगे, घर के बड़ों के कारण चिंता रहेगी, व्यवसाय ठीक रहेगा आपका, और संतान पक्ष भी आपका तरक्की करेगा। बस आप अपने साफ दिल से गरीबों की सहायता करते रहेंगे तो आपका ये सब कल्याणकारी होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। आज आपकी भूले बिसरे पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, उत्साहवर्धक सूचनाएं प्राप्त होंगी आपको। आज का दिन आपका अच्छा लग रहा है, दूसरों के काम की जवाबदारी ना लें आप, मतलब किसी की तरफ से कोई कमेंट ना करें आप, तो वो ठीक रहेगा, और प्रयास करेंगे तो आपको लाभ भी होगा, और बड़ों से आपका मेल जोल होगा, मुलाकात होगी। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, इसीलिए ज्यादा चिंताएं ना करें, जोखिम में जाए और ज्यादा जोखिम ना लें, किसी के कहने का कोई कमेंट ना करें कि मैं ऐसा आपके लिए कर दूंगा, दूसरे के कार्यों की कमिटमेंट ना करें, तो बाकी और आपका मूड वगैरह सब ठीक रहेगा, और बस आप दूसरे की तरफ से कोई हाँ ना करें, और कोई कोशिश करें कि अन्न का दान करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में आज लाभ के अवसर बन रहे हैं, लाभ के अवसर बन रहे हैं, तो बेरोजगारी दूर होने के आपके जो प्रयास हैं वो भी सफल हो सकते हैं नौकरी को लेकर के, और जीवन साथी से जो सहयोग मिलना था वो आपको मिल रहा है, और आप जाहिर सी बात है प्रयास कर रहे हैं, लाभ के अवसर बन रहे हैं, तो आपको यात्रा का भी लाभ मिलेगा और भेंट या उपहार की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, जोखिम या जल्दबाजी में फैसला करने से बचें, और अति उत्साहित या ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो, कोशिश करें विवाद से बचे, कोई मीठी चीज या मीठा दूध हो सके तो बच्चों में बांटे, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। सुख के संसाधन दोस्तों आपके आज आपका खर्चा करा सकते हैं, आप भोग और विलासिता की वस्तुओं पर भी खर्च कर सकते हैं जो आपको सुख देती हैं। कीमती वस्तुओं को आप थोड़ा संभाल कर रखें क्योंकि खर्चा बहुत हो जाता है इन चीजों पर। बोलचाल भी आपकी आज ठीक है, लेकिन किसी का मजाक ना बनाएं, घर बाहर तनाव हो सकता है, इससे मजाक में ना लें और ना ही किसी ऐसा मजाक करें जिससे किसी को दुख हो जाए। बाकी कार्य कुशलता में थोड़ी ही आज दिक्कत रह सकती है, कोई गलतफहमी कोशिश करें ना पाले, और ज्यादा दूर के जिनसे आपकी जान पहचान भी नहीं है उन पर आप विश्वास ना करेंगे तो बेहतर रहेगा, हो सके तो चावल का दान करें। यही था वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो आज थोड़ा संभल कर रहे वृश्चिक राशि वाले। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। रुका हुआ धन मिल सकता है आज धनु राशि के लिए, पार्टनर या भाई से सहयोग भी अच्छा मिलेगा क्योंकि आज आपका दिन अच्छा है,
यात्राओं से लाभ भी मिल सकता है, भाग्य भी अनुकूल है, समय आपका लाभ दे रहा है क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं वो राइट डायरेक्शन में हैं, और राइट डायरेक्शन में है तो रोजगार में व्यवसाय में वृद्धि होगी, परिवार के किसी मांगलिक कार्य में आप शामिल भी हो सकते हैं, प्रसन्नता रहेगी और अपेक्षा के रूप कार्य होंगे। तो कोशिश करें, आपका दिन अच्छा है पर गरीबों में आप भोजन का दान करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। कार्यस्थल पर आपका सुधार होगा, योजनाएं आपकी फलीभूत होंगी, तो आप अच्छा काम करेंगे तो मेहनत आपके फल जरूर लेके आएगी, रोजगार में वृद्धि है, मान सम्मान में आपका वृद्धि होगी और कोई राज की बाधा किसी दूर हो सकती है आपकी, जो आपका कहीं काम फंसा होता वो भी निकल जाएगा। मतभेदों को समाप्त करके चलेंगे तो अच्छा होगा, व्यवसाय ठीक चलेगा आपका और कार्य भी प्रगति पर है। दूसरों से अपेक्षा ना रखें क्योंकि आप खुद मेहनत बहुत करते हैं, इसलिए अपनी मेहनत पर रहें। अज्ञान भय के कारण बेफालतू में आप अपना दिमाग पर अशांति ना बनाएं और सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दें, ज्यादा भोग विलासिता पर आप ना करें, बिल्कुल शांत रहें और हो सके तो किसी डिसेबल पर्सन की आप सहायता करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो ये था मकर राशि के लिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। आप तंत्र मंत्र में रुचि रखेंगे, आज कुछ नया सीखने चाहेंगे, इस तरह की कुछ वीडियो वगैरह देखेंगे आप, तो तंत्र मंत्र या कुछ जानकारी चाहते हैं आप इनके बारे में, और राज के बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी आपकी और आपको लाभ होगा। प्रतिद्वंदी या किसी शांत रहेंगे तो फायदा रहेगा, कहीं पर वाद विवाद ना करें, आय में आपकी वृद्धि होगी, जल्दबाजी में काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए हर एक काम करने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लें कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या व्यवहार हो सकता है, और पॉजिटिव कार्य का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। तो आप खर्च हो सकता है अधिक, और हो सकता है जो प्रयास करिए जा रहे हैं आय के नए स्रोत बनाने के लिए उन पर भी आपको लाभ होगा, और परिवार के जो सदस्य हैं उनसे सहयोग प्राप्त होगा। आपका दिन अच्छा है लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले उसका इफ एंड बट यानी ये उसका कारण और परिणाम के बारे में पूरी तरह से विचार कर ले। तो कोशिश करें गुड़ का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के शख्स किसी विवाद में ना पड़े आज, आप बिल्कुल शांत रहें, अपनी भावनाओं पर आप नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और कहीं आप चोट लगने या कोई दुर्घटना की संभावना भी हो सकती है इसीलिए अपने आप को शांत रखें, आप विवाद से बचें, नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य कमजोर है उसके हिसाब से आप अपने काम ध्यान दें, और कहीं आने जाने पर आप ध्यान रखें अपना, मतलब टोटली आज आपको अपना ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा, किसी भी के वो भी आप इफ एंड बट नहीं करना है, घर में अशांति रह सकती है इसलिए आप शांत रहें और कोशिश करें कि संगति से बच सकने के लिए प्रयास करें, कहीं ऐसे ग्रुप में ना बैठें जहां पर आपका हानि हो सकती है, और अपनी वस्तु को संभाल कर रखें, नहीं तो कोई बड़ी समस्याएं आपके लिए खड़ी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें, अपने आप को संभाल कर रखें मीन राशि वाले, और उसके तो चावल का दान करें। तो ये आज की राशि थी, हम कल फिर मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए यू एंड मी।